2024 विधानसभा चुनाव चैम्बूर विधानसभा से तुकाराम काते का चुनावी कार्यालय खुला। साहब, आज आपको चुनावी मैदान में उतारा गया है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चैम्बूर विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे हूँ तो उसका कार्यालय का आज उद्घाटन है। तो माननीय राहुल शेवाळे जी और गौतम भाऊ सोनवणे, हमारे अनिल ठाकुर जी और हमारे जगदीश पराड़कर जी, मराठे ताई, हमारे RPI के गौतम जी सोनवणे और सिद्धार्थ काशेरे जी और सभी जो और राष्ट्रवादी के जो लोग हैं, वो सभी हमारे जो घटक पक्ष का लोग सब आए हैं। और आज कार्यालय का उद्घाटन बहुत बड़े धूमधाम से हुआ है। और ये अभी चैम्बूर का चुनाव है तो आप ये गर्दी देखने के बाद आपको पता होगा कि ये जीत हमारी पक्की है। और मुंबई चैम्बूर अंबेडकर गार्डन के समीप शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी तुकाराम काते के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर उद्घाटनकर्ता के रूप में पूर्व सांसद राहुल शेवाळे व अनुशक्ति नगर विधानसभा के चुनावी प्रत्याशी अविनाश रानी, RPI के सिद्धार्थ कासारी मौजूद रहे। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहकर तुकाराम काते की चुनावी सफलता की कामना करते हुए नजर आ रही हैं राहुल शेवाळे जी। आज सभा वंदन करतो आणि विजय सभा वंदन करतो। आज या कार्याचं उद्घाटन झालेलं आहे, ज्या त्यांच्या हस्ते झाले ते आमचे RPI नेते गौतम भाऊ सोनवणे आणि त्यांच्या आशीर्वादाने सुरू करत आहे ते आमचे खासदार राहुल शेवाळे साहेब, आमच्या नंदवणे ताई, अनिल ठाकूरजी, मराठे ताई, राहुलजी, सर्व RPI, शिवसेना, नंदू अपने राष्ट्रवादीचे, शिवसेना, RPI, भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रवादी सर्व घटक पक्षांचे सर्व बंधू भगिनींनो आणि मोठ्या संख्येने आलेल्या सर्व माता भगिनी बंधू, आज ह्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालेलं आहे। आज आपल्याला खरं कामाला लागायचं आहे, तरी मी सर्व आलेल्या सर्व बंधुभगिनींना विनंती करेन की आपण आजपासून उद्यापासून प्रचार फेरी आपल्याला चालू करायची आहे, तरी सर्वांनी वेळेवर हजर राहा एवढं त्या ठिकाणी सांगतो। आपण सर्वांनी जो आलात त्याबद्दल सर्व धन्यवाद। आज दिवाळीचा पाडवा आहे, या पाडव्याच्या देवाकडे प्रार्थना करतो की सर्वांना सुखी समृद्धी आणि भरभराटीचा ठेव असे देवाकडे प्रार्थना करून पाडव्याच्या शुभेच्छा देतो। छोटंसं वाचन संपवतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। दिवाळीच्या आणि पाडव्याच्या आपली हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माननीय मुख्य नेते शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहेब यांचं पण मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी आमचे उमेदवार तुकाराम काते साहेबांना आशीर्वाद दिलेला आहे आणि त्यांना या ठिकाणी उमेदवारी दिली, त्याबद्दल त्या सर्वांचं महायुतीच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार मानतो। आज दिवाळीचा सण आपण सर्वजण उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा करतोय आणि हा उत्साह आणि आनंद त्यांचं कारण खऱ्या अर्थाने महायुतीच्या माध्यमातून गेल्या दोन सव्वा दोन वर्ष जे महत्वाकांक्षी निर्णय दिले, विशेष करून महिला या ठिकाणी उपस्थित आहेत, लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या आयुष्यात एक आनंदाचा क्षण महायुतीच्या माध्यमातून निर्माण केलेला आहे आणि आनंदाचा शिधा असेल आणि कित्येक वयोवृद्धांकरता वयश्री योजना असेल अशा कित्येक ज्या योजना आहेत त्या योजनेच्या माध्यमातून एक आनंदाचा क्षण सव्वा दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत महायुतीच्या माध्यमातून झालेला आहे। आणि जर आपण विचार कराल तर सव्वा दोन वर्षात एवढं काम केलं तर 5 वर्षात आपल्या संपूर्ण आयुष्याचा कायापालट होऊ शकतो, म्हणून ही पुढचे 5 वर्ष हे आपल्या सर्वांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचे आहे। त्यामुळे महायुतीचा सरकार आणण्याकरता एक एक आमदार निवडून येणे हे आपल्याला अत्यंत महत्वाचं आहे। त्यामुळे महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवरती एक महत्वपूर्ण जबाबदारी आहे आणि मला संपूर्णतः विश्वास आहे, कारण गेल्या कित्येक निवडणुकीतला जो अनुभव पाहता महायुतीचे पदाधिकारी हे
ह्यांना काही निवडणूक नवी नाही आहे. प्रत्येक निवडणुकीला ते जोमाने आणि उत्साहाने काम करतात आणि तो जोम आणि उत्साह या निवडणुकीत दिसून येईल अशी मी अपेक्षा बाळगतो आणि मला संपूर्णतः विश्वास आहे. या चेंबूर विधानसभेवर आपण तुकाराम गाते यांना निवडून देऊन महायुतीचं सरकार बनला एक त्यांना घटक बनू हा एक विश्वास आज या पाडव्याच्या दिवशी आपण करूया. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना पाडव्याच्या आणि खऱ्यातर गुजरातमध्ये नवीन वर्ष हे चाललं होतं त्यामुळे नवीन वर्षाच्या पण आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा देतो. ही नवीन वर्षाची सुरुवात एक चांगल्या कार्यक्रमाच्या आणि आज कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या माध्यमातून होते हा एक चांगला योगायोग आहे आणि निश्चित स्वरूपात त्याचं फल आपल्या सर्वांना मिळेल. आपल्या सर्वांना सुख समृद्धी वैभव आणि भरभराट लाभो असे आई जगदंबेचे त्यांनी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. जय भीम. जय महाराष्ट्र. जय भीम. विधानसभा 173 चेंबूर विधानसभा के तुकाराम काते जो कि एकनाथ शिंदे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं आज उनके कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है. स्वयं इस बीच में मौजूद हैं राहुल सेवाले जो कि पूर्व सांसद रहे हैं दक्षिण मध्य मुंबई के और तुकाराम काते जी जो कि एक पूर्व विधायक रहे हैं अनुशक्ति नगर से आज उनके कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है. इस अवसर पर तमाम भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है जो कि कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक प्रबल दावेदारी अगर की जा रही है तो वो तुकाराम काते के द्वारा की जा रही है. लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं स्वयं राहुल सेवाले जोरदार. आज जर इतका उत्साह आहे तर मला वाटतं 23 तारखेला तर हे पूर्ण बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान परिसर वाटते. मी खरंच फार वेळ घेणार नाही. आपल्याला शेवाळे साहेबांना ऐकायचं आहे, आपल्या इतर नेत्यांनाही ऐकायचं आहे. मी माझ्या वतीनं माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं मी तुकाराम काते यांना आश्वासन देऊ इच्छितो की आमची सगळी मंडळी म्हणजे युवा असू दे आमचे मंडल अध्यक्ष असू दे किंवा नगरसेवक असू दे. आज आपको चुनावी मैदान में उतारा गया है भाई समोर, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चेंबूर विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे हूँ तो उसका कार्यालय का आज उद्घाटन है. तो माननीय राहुल सेवाले जी और गौतम भाऊ सोनवणे, हमारे अनिल ठाकुर जी और हमारे जगदीश पराड़कर जी, मराठे ताई, हमारे RPI के गौतम जी सोनवणे और सिद्धार्थ काशेरे जी और सभी जो और राष्ट्रवादी के जो लोग हैं वो सभी हमारे जो घटक पक्ष का लोग सब आए हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन बहुत बड़े धूमधाम से हुआ है. और ये अभी चेंबूर का चुनाव है तो आप ये गर्दी देखने के बाद आपको पता होगा कि ये जीत हमारी पक्की है और लो जीत हमारी इसके लिए है कि पब्लिक का सेवा करने का है मुझे. और चेंबूर में जो विकास हुआ नहीं वो विकास मुझे करके दिखाने का है. और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से अभी इधर विकास करके दिखाएंगे. आज चेंबूर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जो गार्डन है, उधर छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा चौक है और एक बुद्ध पार्क जो है उसकी संकल्पना मेरी है वो बुद्ध पार्क पूरा करने का, इसके लिए मेरे को चुनाव लड़ने का. नहीं, इससे पहले आप अनुशक्ति नगर विधानसभा के विधायक रहे हैं, आज आप चेंबूर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? दोनों भी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है. क्यों, मैं रहता हूँ चेंबूर में, मेरा जो सार्वजनिक गणेश उत्सव डुक्स का राजा वो भी चेंबूर में है. और आपको पता है कि मैं ये सुभाष नगर में और घाटले में जब भी बारिश का पानी जमा होता था तो मैंने जो गटर समझते ना, बड़ा गटर है, वो गटर में बैठा था, उपोषण किया था एक दिन का. और जब से सुभाष नगर में और घाटले में पानी जमा होता नहीं है
ऐसे चेंबूर में बहुत सारे काम किए। माय नेम इज खान का आपने देखा होगा, बाला साहब ने ऑर्डर दिया था कि माय नेम इज खान चलाने का नहीं है, तो के स्टार जो है चेंबूर में है उसका आंदोलन मैंने किया था। वो तो आप लोग ने चार दिन टीवी में बताता था, बार बार वही न्यूज़ चल रही थी। इतना पुलिस ने मुझे मारा था कि पुलिस और मीडिया सब वही दिखा रहे थे कि कैसे शिवसैनिक को मारा है, वो आपने दिखा। और मैं आंदोलन करने वाला आदमी हूँ, और किधर बाबा जब साहब ने जैसा ये किया है, मंत्र दिया है बाबा साहब ने कि शिका संगठित हुआ यानी संघर्ष करा, वही मेरी पहचान है। बस एक अंतिम सवाल, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार आपका? इधर चेंबूर में झोपड़पट्टी, बहुत सारी झोपड़पट्टी है, तो मेरा पहला संकल्प है, एक संकल्प यही है कि झोपड़पट्टी मुक्त चेंबूर हो जाए, प्रदूषण मुक्त चेंबूर हो जाए, और रस्ते गलियां और सभी फुटपाथ जो चलता है पब्लिक वो अच्छा हो जाए, इतना ही।